लुधियाणा के रेलवे स्टेशन के जिथे कि पिछले दिन ही रविदास भाईचारे वालों एक दिल्ली के एक मंदिर को तोड़फोड़ करने के विरोध के एक रोस प्रदर्शन किया गया से पूरे भारत बंद का ऐलान भी किया गया जिसके चलते अज असी खड़े हैं लुधियाणा रेलवे स्टेशन के जिथे कि आम जनता भी जो रेलवे के गड्डिया बंद की गई उन्होंने परेशानी का सामना करना पै और आप गलबात भी करते हैं। हाँ जी सर, तुम्हारा नाम क्या है? संजय। आप कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से आया हूँ। आपने आगे कहाँ जाना है? मुझे इधर जाना था सरकारी दफ्तर, बट कोई साधन नहीं होने की वजह से जा नहीं पाया। आपका ट्रेन का टाइम कितने बजे का था? मैं तो अभी ट्रेन का टाइम मैं स्वर्ण शताब्दी से उतरा, उसके बाद फिर वापस जाना है। अब देख रहा हूँ, ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। सो देख रहे हो कि यात्री सवेर तो लैके इतने गड्डी का अपना इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी सर, आपका नाम क्या है? उमेश कुमार। आप कहाँ से आए हो? लुधियाने से गुरदासपुर जाना है। आपको क्या परेशानी है? गड्डी नहीं आई। आप कितनी देर से वेट कर रहे हो? 4-5 घंटे से, मिनिमम ऊपर हो गया होगा 4-5। हाँ जी सर, आपका नाम क्या है? मनप्रीत सिंह जी। आप कहाँ जा रहे हो? दिल्ली। दिल्ली। और आपका ट्रेन का कितने बजे का टाइम? 11:55। अभी कोई गाड़ी? अभी तक कोई गाड़ी नहीं आएगी। जो आप भारत बंद का ऐलान किया गया है, जो उसमें आप समर्थन हो या क्या है, आपको क्या परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है, आम जनता नहीं परेशानी है, बैठे हैं सवेर तो ना कितने आ रहे हैं, बच्चे नाल ने गर्मी पागल हो रहे हैं, ना कितने आ जो वेट करो, जो तो इंक्वायरी जाके पूछो वो भी कोई जवाब नहीं दे रहे, कोई बैठा मिलता ही नहीं, सारे बंद पे कोई भी नहीं बैठा अंदर, सब अपनी कुर्सियाँ छड़ के चले गए हैं, उनकी पूछी जाए कि कुछ भी नहीं, आराम में बैठो बस वेट करो। जिमें कि तुसी देख रहे हो, इन्हों का कहना है कि यह सवेर तो परेशान ने, इन्होंने जाना सीगा पर इन्हों ट्रेन का टाइम नहीं पता, और तुसी देख रहे हो इन्होंने छोटे छोटे बच्चे भी है, वो भी किन्ने परेशान हो रहे हैं, काफ़ी दिक्कत का सामना भी करना पै रहा।